वार्ड नंबर 35 से पंचायती उम्मीदवार गजेंद्र सिंह ने आज टिकरी कला गांव में एक विशाल जनसभा की, जिसमें पूरा गांव आया और गजेंद्र सिंह को वोट और सपोर्ट की बात कही और नोटों की माला से गजेंद्र सिंह का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह ने पदयात्रा कर गांव के लोगों से वोट और सपोर्ट के लिए कहा और शाम को गजेंद्र सिंह ने अमर कॉलोनी में पदयात्रा की, जिसमें अमर कॉलोनी के लोगों का पूरा समर्थन भाई गजेंद्र सिंह को मिल रहा है। उनकी यात्रा के दौरान पूरा जनसमूह गजेंद्र सिंह के साथ देखने को मिला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मेरी मातृ शक्ति का आशीर्वाद है और जो मेरे प्रति इनकी भावना है और जो इनके इनके अंदर एक दृढ़ संकल्प है कि ये बच्चा हमारी सभी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि जब 7 तारीख को इनका ये आशीर्वाद विजयश्री में बदल कर आएगा तो ये बेटा ये भाई पूरी मातृ शक्ति की और इस वार्ड के जन जन की हर उम्मीद पर खरा उतर के दिखाएगा। जय हिंद जय भारत। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं भाई जब पार्षद बनने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं, आप क्या कहना चाहते हो लोगों से पार्षद बनने के बाद कैसे लोगों के? मैंने पिछले 5 साल से लोगों के बीच में रह के कार्य किया है और राजनीति के अंदर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जन जन की सेवा, एक सच्चा सिपाही बनकर सच्चा चौकीदार बनकर मैं उस काम को सार्थक करने के लिए जारी रखूंगा अपना अभियान और करके दिखाऊंगा, क्योंकि इन लोगों को जो मुझसे उम्मीद है उन उम्मीदों को मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। सभी उम्मीदों को पूरा करके इस क्षेत्र का विकास करना है, साफ सुथरा करना है और जन जन का सम्मान करना है। जय हिंद जय भारत। भाई साहब, अमर कॉलोनी के लोग किसको जा रहे हैं इस बार? गजेंद्र, गजेंद्र। नहीं, आप तो बताओ, उनसे मैं पूछ लूंगा, आप अपनी आवाज बोलो। नहीं बोलोगे? अच्छा, आप बोलो, आप बोलो। गजेंद्र को भाई, गजेंद्र को जा रहे हो आप लोग? आप भाई जी गजेंद्र का चारों हाथ पैर, चारों हाथ गजेंद्र, गजेंद्र जिंदाबाद। गजेंद्र, अच्छा गजेंद्र को लोग चाह रहे हैं, क्या बात? बढ़िया काम, गजेंद्र बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी बात है, देखभाल कर रहा है, पहले भी काम कर रहा है, बगैर बने भी और आज भी बनाने लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना काल में इसने काफी काम कराए हैं लोगों को, सच्चा क्या सही है? अनिल तो आया ही नहीं यहाँ पे, अनिल कभी नहीं आया, जिंदगी में दिखा है उधर, और आप देख ले वोटा में भी नहीं आ रहे हो, चुनाव में भी नहीं आ रहे, उसका भाई आ रहा है, बड़ा लुक रहा है। वो तो कह रहा है केजरीवाल को वोट करेंगे, मेरे को थोड़ी वोट करना लोगों ने। कौन है? अनिल। केजरीवाल का मारा धक्का है। अरे आप लोग सारे खड़े हो, किसी का इंतजार है क्या? हाँ जी। किसका? गजेंद्र भाई साहब का। उनको वोट करोगे क्या गजेंद्र जी? हाँ जी। आप सारे? यस। सारे गजेंद्र जी के लिए खड़े हैं? हाँ जी। कोई मोदी जी के लिए नहीं खड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी बढ़िया आदमी, अच्छा काम नहीं करता जी, हमारे लिए गजेंद्र भाई सब बढ़िया। अच्छा, गजेंद्र जी ने क्या काम किया यहाँ पर? बहुत कुछ कर रहे हैं जी, कोई और बोलता नहीं। लॉकडाउन में बहुत काम करा। क्या क्या किया? यहाँ किट भी बांटी है, सामान सेवा जो भी हमें जरूरत पड़ी मौके पर खड़े रहे। निगम पार्षद विधायक कभी आए? निगम पार्षद विधायक वो नहीं है। तो गजेंद्र के सपोर्ट में खड़े हो आप लोग? वो तो कहते हैं यहाँ की तरफ से कोई हमने तो इलेक्शन सीट ही नहीं है। कौन बोलता है ये बात? उधर इधर जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ से हमारी वोट ही नहीं गिरती, हमारी मुंडका से ही गिरती है वोट। विधायक जी बोलते हैं? हाँ जी, वहाँ से आवाज आती है। अच्छा, क्या माहौल है, क्या चाह रहे हो, क्या मन है? माहौल आपके सामने है, क्या है वो तो पूछ रहा हूँ। गजेंद्र जी की लहर है। किसको देंगे? किसको? बाल्टी वाले, बाल्टी वाले को। भाई साहब गजेंद्र का ही चल रहा है। गजेंद्र जी क्यों चल रहा है? हाथ दिया गया गजेंद्र का, क्यों चल रहा है? गजेंद्र भाई पंचायती वो है उम्मीदवार, यही है, बाल्टी का ही होगा। बाल्टी का क्या करा दिया ना? गजेंद्र ने तो 5 साल से सारे कोरोना काल में कोई दिखता नहीं था, गजेंद्र ही दिखता था, दवाई छिड़कता था अपने हाथ से सारे दवाइयों में घरों में, और खाना वाना भी बांटा रहा। ये आदमी अगर पार्षद बन जाता है हाँ, तो जो सफाई के काम होते हैं साफ कर पाएगा, आपको लगता है? विश्वास है? हाँ विश्वास है, मैं पक्का। गजेंद्र जिंदाबाद।